संभल रिक्वेस्ट आप सभी भाइयों से, प्लीज जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं भाई, कुछ मुश्किल से 200-300 सब्सक्राइबर्स रह गए। जाकर के फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितने ही भाई है, एक बार सब्सक्राइब करना है, बार बार नहीं करना होता है, एक बार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लेना। बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट आपको अपने चैनल पर रेगुलर बेसिस से मिलती रहेगी। बाकी इस बलिनों के अंदर बहुत जबरदस्त मॉडिफिकेशन हुई है, एक एक चीज बताने वाला हूँ। पंजाब से गाड़ी आई थी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है भाई। 25% का डिस्काउंट जो कहते हैं वीडियो में मिला आपको? हाँ मिला। प्रॉपर अपना टॉप मॉडल वाला स्टीयरिंग जो व्हील आता है वो इसके अंदर चेंज कर दिया गया है। प्रॉपर अपना 9 इंच का एंड्रॉइड विद लॉसी फ्रेम इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। फुल बकेट सीट कवर इसके अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं। जितने भी अपने डोर ट्रिम्स है उसके ऊपर यहाँ पे इंटीरियर से लेदराइट किया गया है। सॉफ्ट टच मटेरियल है यहाँ पे। ये भी अपना कुशनिंग वाला पार्ट है, ये भी अपना कुशनिंग वाला पार्ट है। बहुत सुंदर सा रिजल्ट इसका आपको देखने मिलेगा। हम लोग की वेलकम लाइट यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। जो फ्लोरिंग होती है वो इसके अंदर कंप्लीट हो चुकी है। ये नॉब अपना यहाँ पे चेंज हो चुका है। रेन वाइजर अपने यहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉल हो चुके हैं, क्रोम लाइन वाले। नीचे इधर बात करो तो यहाँ पे एल शेप वाली जो अपनी प्रॉपर आती है लोअर विंडो गार्निश, वो इसके अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं। हैंडल क्रोम यहाँ पे लग चुका है। बिल्डिंग का सेटअप जो आता है वो भी इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। सिल्वर कलर के स्टील रिम देने मिलते हैं। यहाँ पे इसको ब्लैकआउट करके ऊपर से यहाँ पे व्हील कैप है वो इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। स्पॉइलर का पार्ट अपने यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। साथ ही साथ अंदर की तरफ कैमरे की प्लेसमेंट भी कर दी गई है। असल ट्री का सेटअप भी एक आता है जो की इसके अंदर प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। फ्रंट की तरफ अपने एवेट्रा के कंपोनेंट लगे हैं। रियर की तरफ एवेट्रा के कोएक्सियल स्पीकर इंस्टॉल हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अपना ओआरएम चेंज हो चुका है, उसके अंदर रिले भी अपनी इंस्टॉल हो चुकी है। जैसे ही आप इसको लॉक करोगे ना, ठीक है, आपका फोल्ड हो जाएगा। अनलॉक किया मैंने, प्रॉपर आपका ये अनफोल्ड हो जाएगा। तो बहुत अच्छा सा सेटअप है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? मैं बालकृष्ण, आप देख रहे हैं मिश्रा व्लॉग्स। एक और नई और फ्रेश वीडियो में आप सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है भाई। और केशव हमारे सामने है। आज जो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी गाड़ी दिखाने वाला हूँ ना, ये है अपनी बलिनो। अब बलिनो का सिग्मा वेरियंट है, दैट इज बेस मॉडल जिसे आप कहते हो ना। अब बेस मॉडल आई थी कहाँ से? पंजाब से आई थी। दूर से गाड़ी आई है और इनके जो ओनर है ना वो बहुत स्पेशल है, इसलिए बस मन कर दिया वीडियो बनाया जाए। हाँ, दिखाया जाए, काम भी कुछ हटके हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारा मॉडिफिकेशन है पार्ट इस गाड़ी के अंदर कवर होने वाला है। एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। क्या क्या आपकी गाड़ी में एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन रहता है, क्या क्या चीज आप लगवा सकते हो। लॉट्स ऑफ ब्रांड अवेलेबल इन द मार्केट आर गोइंग टू इंस्टॉल इन दिस कार। तो एक से एक ब्रांड अवेलेबल है, एक से एक चीजें अवेलेबल है जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर गाइड करने वाला हूँ। और आप अपनी गाड़ी में इजिली इसको इंस्टॉल करा करके एक अच्छी जो अच्छा एक रिजल्ट जो है या फिर जो आउटपुट है वो पा सकते हो। तो केशव, सबसे पहले होता है इसके अंदर क्या क्या हम अभी अपडेट करने वाले? बिल्कुल, सिग्मा मॉडल हमारे पास आया था, कोशिश करेंगे इसको अल्फा बना के भेजे, एक हेड अप डिस्प्ले छोड़ के। Okay. वो भी अगर कस्टमर का किसी को चाहिए तो वो भी अपने पास अवेलेबल होता है, बट वो ऑर्डर पे आता है। उसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा आती है, 25-30 हज़ार के लमसम वो भी कर देते हैं, लेकिन इंडिया में नीड नहीं है तो वो चीज़ को अभी छोड़ते हैं। बाकी जो चीज़ होती है ना अल्फा मॉडल में, वो सारी चीज़ के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशल हमने वीडियो तो बहुत दिखाई, सिर्फ मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक तो कस्टमर हमारे पास इतनी दूर से आए थे, कस्टमर का नेचर और गाड़ी इतनी दूर से आई है ना कि हमारा भी मन करा यार, लोगों का इतना ट्रस्ट कैसे बन जाता है कि इतनी दिल्ली इतनी दूर आना चाहिए काम कराने के लिए। बस यही रीजन था वीडियो बनाने का। और इसमें 5-6 चीजें कुछ ऐसी अलग अलग है जो शायद आपने पहले भी YouTube पे नहीं देखी होगी, और ऑटो यूनिक अगर देखी भी होगी तो सिर्फ मिश्रा ब्लॉग के चैनल पे ही देखी होगी, वो ही आपको दिखने को मिलेगा, कुछ अलग भी देखने को मिलेगा। सही बात है। तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग जो है स्पीकर सिस्टम में एंड्रॉइड स्टूडियो में क्या क्या लगा रहे हैं? हम इसमें डेप्थ का एंड्रॉइड लगा रहे हैं, जिसका स्पेसिफिकेशन 2 GB RAM 16 GB इंटरनल स्टोरेज होता है। ठीक है, आगे कंपोनेंट इंस्टॉल कर रहे हैं अवतार के, पीछे को एक्सेल इंस्टॉल कर रहे हैं, और प्रॉपर जिसे बोलते हैं ना प्रॉपर ट्विटर शैशे के साथ जो अल्फा मॉडल में आता है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है उसके साथ इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, कवर इसके अंदर कस्टमाइज होके लग रहे हैं, इंटीरियर हो रहा है, एक्सटीरियर का काम हो रहा है, मतलब समझ लीजिए आप नीचे से लेके ऊपर तक सारा ही काम पूरा काम हो रहा है। एम्बिएंट लाइट वगैरह लगा रहे हैं, एम्बिएंट लाइट वगैरह सब कुछ लगा रहे हैं। सबसे पहले तो गाड़ी का नंबर टेम्परेरी नंबर है क्या यहाँ पे? टेम्परेरी नंबर लगा हुआ है यहाँ पे, देख लो PB64 बेसिकली अपना टेम्परेरी नंबर आता है। और भाई गाड़ी बड़ी दूर से आई है तो इसको बहुत अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है रेडी करने वाले, और एंड में जो है ऑनरशिप का एक जो रिव्यू होता है ना, ऑनर का रिव्यू भी लेने वाले, उनसे जानेंगे सारा काम उनको कैसा लगा है। अब चलते हैं गाड़ी की तरफ और फ्रंट से बताता हूँ आपको एक मॉडिफिकेशन के पार्ट में क्या क्या चीज़ें कवर हुई है। भाई आ चुके हैं गाड़ी के सामने। अब सामने की तरफ आप क्या क्या मॉडिफिकेशन बलिनो के अंदर करा सकते हो? देखो, मेरा मेन कंसर्न ना आप लोगों के लिए ये रहता है कि आप जब भी अपनी गाड़ी मॉडिफिकेशन का काम जो है वो कराते हो तो उसके पीछे आपको एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। अब आप ऐसा नहीं मैं बोलूंगा आपको कि आप ये भी लगवा लो, आप क्रोम की लाइट में लगा लो, आप ये फॉग लाइट लगा लो, आप वो लगा लो। देखो, तो सभी भाई का जो अपना टेस्ट है वो अलग अलग होता है। मैं इस गाड़ी के अंदर ना एक एक चीज आपको डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें जो मुझे अच्छी लगती है गाड़ी के अंदर होना चाहिए, मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूंगा। बाकी आप लोग बताना कॉमेंट सेक्शन में कि आपको ये पार्ट कितने सही लगते हैं या फिर आपको जो मेरी चॉइस है वो कितनी पसंद है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये अपनी फ्रंट प्रोफाइल हो गई बलिनो की, सिग्मा वेरिएंट की। सिग्मा वेरिएंट अभी आपको लगेगा नहीं क्योंकि इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन और भी हो चुकी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्रंट प्रोफाइल की। तो अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे ग्रिल है,
अब बहुत बार मैंने वीडियोस में बोला हुआ है कि ये गेम चेंजर ग्रिल है, बिल्कुल है भाई, नो डाउट ग्रिल बहुत अच्छी लगती है क्रोम लाइन के साथ जो आता है, तो इसका लुक जो है काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। बट जरूरी नहीं कि सभी भाइयों को जो है कहीं ना कहीं ये जो ग्रिल है वो पसंद ही आएगी, बहुत भाई ऐसे भी है जो जिनसे मैं मिला हूँ, ठीक है, पर्सनली उनका जो एक ओपिनियन होता है वो मैट के लिए होता है कि मुझे अपनी गाड़ी में जो कहीं ना कहीं पूरा मैट का फिनिश चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपको पसंद आता है क्रोम वाला तो क्रोम भी लगवा सकते हो, नो डाउट अच्छी लगती है, ठीक है, पर्सनली बता रहा हूँ मुझे भी अच्छी लगती है। लेकिन अगर आपको नहीं लगवाना, अगर आप सिंपल मैट चाहिए तो आप उसके साथ भी जा सकते हो, ये नहीं है कि वो खराब लगता है, अच्छा लगता है। अब ये वही बात होगी टॉप मॉडल में दे दिया तो लगवा लो जी, लगवा लो लगवा लो, बस ऐसा नहीं है कि जो चीज़ टॉप मॉडल में आती है वो आपको पसंद ही आए। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता दूं, इसके अंदर जो टॉप एंड वेरिएंट में आता है ना अपना हेड अप डिस्प्ले लग करके, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। पसंद ना आने का रीज़न क्या है, जब मैं गाड़ी को ड्राइव करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने की तरफ जो पार्ट है ना वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मेरी जो विजिबिलिटी है उसको ख़त्म कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं ना कि जो टॉप एंड वेरिएंट में जो चीज़ें आए वो आपको पसंद ही आए। तो ये चीज़ें जो आप गाड़ी में मॉडिफिकेशन के पार्ट में कवर कराते हो, ये टोटली डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर कि आपको अपनी गाड़ी में क्या क्या चीज़ें लगवानी है या आपकी क्या नीड है या फिर आप उससे क्या आउटपुट चाह रहे हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि जो आपने वीडियो में देखा आप वही लगवा लो, ठीक है। आप आओ, आप R&D करो, आप सब जगह से रेट लो, आप अपनी क्वालिटी कंपेयर करो कि आपको अपनी गाड़ी में क्या क्या लगवाना है, उसके बाद ही अपनी गाड़ी में कोई चीज़ लगवाओ भाई। ये नहीं कि मेरी वीडियोस देखी या किसी की वीडियोस देखी तो वीडियो में जो चीज़ें लगाई वो अपनी गाड़ी में लगा लो, ऐसा मत किया करो, ठीक है। आपके पैसे हैं वो सेव होने चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं और कुछ प्रोफाइल पे, तो ग्रिल की बात मैंने आपको यहाँ बता दी, ग्रिल आप चाहते हो चेंज करा सकते हो। अगेन बात आती है अपनी फॉग लाइट की। अब फॉग लाइट में भी बहुत सारे भाई बोलेंगे कि हाउसिंग चेंज नहीं करनी भाई, मेरे को सस्ता वाला फॉग लाइट लगाना है, तो नो डाउट फॉग लाइट होता किस लिए भाई, फॉग में चलाने के लिए। आप बेसिकली जब धुंध होती है उस समय फॉग लाइट का यूज़ होता है। तो यहाँ पे ना मैंने ये बहुत बार अपनी वीडियोस में बोला हुआ है कि भाई LED लगाओ या फिर HID लगाओ, इसके अंदर भी एक पार्ट आता है। मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था, उन्होंने बेसिकली पूछा था मेरी वीडियोस में कि भैया आपने व्हाइट लाइट बता दी, फॉग में बेसिकली जो है येलो लाइट काम आती है, तो उसके हिसाब से कोई फॉग लाइट जो है वो प्रेफर करो। मैं आपको पर्सनली प्रेफर कर रहा हूँ, आप M617 के साथ जा सकते हो, IPS का प्रोजेक्टर आता है 3-in-1 में। उसमें क्या होता है, उसमें 3 लाइट आपको एक ही में देखने को मिलता है, जैसा कि आप नॉर्मल IPS प्रोजेक्टर देखते हो उसी तरीके का जो है प्रोजेक्टर होता है। उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक वार्म व्हाइट की लाइट होती है, एक आप व्हाइट होता है और एक आपका होता है येलो, ठीक है। तो 3 तरीके का जो उसके अंदर आपको लाइट ऑप्शन देने को मिलता है, तो आपको जो पसंद है वो आप लगवा सकते हो। पर्सनली मैं बता रहा हूँ, अगर आप 3-in-1 लगाते हो, जितनी भी नीड होती है ना ऑल वेदर के हिसाब से आपको रन करता है, तो बहुत अच्छा पार्ट है उसका। बाकी हाउसिंग वगैरह भाई से कोई मैटर नहीं पड़ता, ये जस्ट लुक्स को इन्हांस करने के लिए है। अगर क्रोम पसंद है आपको तो लगवा सकते हो, नहीं पसंद है तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ पे मैं बात करूँ क्या इंस्टॉल हुआ है, तो ये बेसिकली अपना ही प्रोजेक्टर ही है, इसके अंदर इनबिल्ट लाइट आती है, साथ ही साथ साइड में अगर आप अराउंड सर्कल में देखोगे ना तो इसके अंदर DRL का सेटअप लगा हुआ है, ठीक है। ये भी आता है, इसमें एक IPH भी आता है। और मैंने जैसा कि आपको प्रेफर किया कि अगर आपको फॉग लाइट के लिए चाहिए या फिर येलो लाइट चाहिए तो उसके लिए आप M617 लगवा सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, ठीक है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर से बताता हूँ क्या क्या मॉडिफिकेशन इसके अंदर की गई है। भाई ना रोड बिल्कुल चलता हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं रोड नॉइज आएगा, तो प्लीज़ माइंड मत करना इस चीज़ के लिए, ठीक है। और आज मैं आपको एक चीज़ ऐसी बताने वाला हूँ ना जो आपके लिए नीडी चीज़ है भाई। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि मैं आपको ऐसी चीज़ें नहीं बताने वाला इस वीडियो के अंदर जो आप लगवाओ और कल को फिर आप मुझे गाली दो कि यार मिश्रा जी आपने रिकमेंड किया था, मैं ऐसी चीज़ आपको नहीं बताऊँगा। जैसे कि उसमें आता है ना पार्ट साइड बीडिंग का, साइड बीडिंग मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता भाई, अब क्योंकि मैंने बहुत सारी केसेज ऐसे देखी हैं जिसके अंदर साइड बीडिंग लगते हैं, उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो कस्टमर है उनकी कंप्लेन आ जाती है कि भैया साइड बीडिंग तो उखड़ रही है। आप एक खुद ही चीज़ सोचो, ये जो पार्ट है साइड बीडिंग का, ये बेसिकली आप MGP लगाओ ये तो या फिर आप आफ्टर मार्केट लगाओ तो, ठीक है, होता क्या है ये आपका निकलना ही निकलना है क्योंकि इसके अंदर पानी जाएगा। कितनी भी आप प्राइमर लगा लो, कितने भी अच्छी क्वालिटी का टेप लगा लो, ये आपका निकलेगा ही निकलेगा क्योंकि भाई टेप है कि ठीक है, कहीं पर नट बोल्ट तो लगा नहीं कि उससे ये टाइट हो रखा है तो निकलेगा नहीं, सिंपली टेप से हुक होता है तो आपका निकलेगा ही निकलेगा। तो ये चीज़ें मैं पर्सनली आपको रिकमेंड नहीं करता। एक दो चीज़ें और हैं जो आप लगवा सकते हो, ये चीज़ें बेशक लुक्स को इन्हेंस कर देती है, जैसा कि हैंडल क्रोम है, तो अब इसके अंदर ना टेप यहाँ से लगती है तो उसमें निकलने के चांसेस ना के बराबर होते हैं फिर नहीं निकलते। और ये एक नीडी चीज़ भी होता है, बहुत भाई बोल रहे हैं कि भाई मेरा जो है कहीं ना कहीं हैंडल जो है वो कहीं ना कहीं मैट फिनिश में आता है तो इसके ऊपर हमें क्रोम चाहिए, तो आप ये लगवा सकते हो, आई विल गो विद इट। उसके बाद रेन वाइजर की बात करूँ तो ये भी एक अच्छा पार्ट होता है, रेन वाइजर भी आप लगवा सकते हो, ठीक है। बट ये इसमें भी पानी जाता है बट ये उतना नहीं निकलता, या फिर निकलेगा भी तो आपका इजीली निकल जाता है एज़ कम्पेयर टू साइड बीडिंग की मैं बात करूँ तो। डबल लेयर की डैम्पिंग भी इसके अंदर लगनी है, वो भी आपको शो आउट करने वाला हूँ मैं, ठीक है। साथ ही साथ एवेटर के फ्रंट में कॉम्पोनेंट लगे हैं, कॉम्पोनेंट में भी आपको बहुत सारे ब्रांड्स देने को मिल जाते हैं, आपके पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी गाड़ी के अंदर कौन सा जो है कॉम्पोनेंट इंस्टॉल कराना है। ये अगेन वही बात आ गई, जितने भी क्रोम की आइटम आप देख रहे हो मैट फिनिश में आपको इनर डोर हैंडल देने को मिलते हैं बेस मॉडल में। अब ये टोटली आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको क्रोम चाहिए तो आप क्रोम लगवा सकते हो, कॉस्मेटिक चेंज है।
उसके बाद बताऊं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको जो है एम्बियंट लाइट का सेटअप इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एंड में उसका कैसा आउटपुट निकल करके आने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, ये बेसिकली में फ्लोरिंग का पार्ट है जो कि इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। उसके ऊपर मैं बात करूँ तो ये जो पार्ट आप देख पाओगे यहाँ पे, ये ORVM का सेटअप है। बेस मॉडल में आपको मैनुअल मिलता है, यानी कि इसको आप अंदर से ना तो एडजस्ट कर सकते हो ना ही ऑटो फोल्ड का, तो भूल ही जाओ। ये चीज मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ऑटो फोल्ड का सेटअप एक ऐसा पार्ट है ना, या फिर ORVM का एक ऐसा पार्ट होता है आपकी गाड़ी में, जब भी आप ड्राइवर सीट पे बैठोगे ना तो आपको अगर ये वाला मिरर एडजस्ट करना है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि कंजेस्टेड एरिया में या फिर ट्रैफिक एरिया में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप इसको एडजस्ट नहीं करोगे ना, अगर नहीं कर पाते तो आपकी जो गाड़ी में स्क्रैच लगने के चांसेस है, या फिर जो गाड़ी में जो जितने देखते हैं ना जितने भी लोगों के साइड जो है डैमेज हुए रहते हैं, उसके पीछे मेन कंसर्न होता है यही वाला जो पार्ट है। कहीं ना कहीं वो लोग अपने साइड नहीं चेक करते गाड़ी के अंदर, जैसे अंदाजे से लगा देते गाड़ी, तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपके जो है साइड से कहीं ना कहीं स्क्रैचेस का पार्ट जो है आपकी गाड़ी में लग जाता है। उसके बाद बताऊं तो ये जो अपना 9 इंच का प्रॉपर एंड्रॉइड है, ठीक है, यहाँ पे आप एंड्रॉइड देख पाओगे। ऊपर की तरफ अपना ग्लॉसी वाला फ्रेम लगता है इसके अंदर, और एक पार्ट बहुत अच्छा इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है, दैट इज स्टीयरिंग व्हील। तो इसके अंदर प्रॉपर अपना टॉप मॉडल वाला जो स्टीयरिंग व्हील आता है वो चेंज कर दिया गया है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे सिल्वर कलर की फिनिश देने मिलती है। इधर की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको प्रॉपर स्टिचेज मिल जाती है, OEM फिटमेंट वाला, या फिर OEM जो प्रॉपर होता है वही आप इसे कह सकते हो, क्योंकि वही वाला पार्ट है। स्टीयरिंग मॉडल कंट्रोल का जो सेटअप है वो इसके अंदर इंस्टॉल हो रहा है, क्रूज कंट्रोल का पार्ट यहाँ पे लगा हुआ आता है। तो इसका सेटअप पर्सनली बताऊँ काफी सुंदर सा लगता है आपकी गाड़ी में, अगर आपको नीड है इसकी तो आप बेशक लगवा सकते हो। महेंद्र भैया क्या हाल है? बहुत बढ़िया भैया। तो महेंद्र भैया क्या लगा रहे हो अभी इसके अंदर साइड में? तो लगा भाई, क्या बात है भाई, महेंद्र भैया ने आज तक इतने सारे जो ORVM है अपनी बलिनो के अंदर ग्लेंजा में या फिर ब्रेजा में लगा दिया, कितने लगा दिए होंगे अभी तक आपने? फिर भी अंदाजा भाई 150-200 से ऊपर लगी क्या होगा? सही कह रहे हैं, बिल्कुल 150 से ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं साइड मिरर भैया ने अभी तक इंस्टॉल कर दिए गाड़ियों में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस होता है कि आप रेगुलर बेसिस पे एक ही चीज़ पे काम करते हो, तो उसकी जो है ना कहीं ना कहीं आपकी क्लैरिटी बढ़ जाती है। तो भैया बहुत टाइम से काम कर रहे भाई, और ORVM में मैक्सिमम टाइम आपने भैया को ही देखा होगा अपनी गाड़ी में जो कहीं ना कहीं फिट करते हैं। साथ ही साथ बात करूँ तो ये अपना बेसिकली रॉकस्टार की डैम्पिंग है जो कि इसके अंदर इंस्टॉल होनी है, और रियर की तरफ भी आप देख पाओगे कोएक्सियल स्पीकर अपना इंस्टॉल हो चुका है एवेटार का। इंटीरियर भी इसके अंदर हो चुका है जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे, और एम्बिएंट लाइट का सेटअप भी इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर जो है डबल थ्रेड के साथ इसकी सिलाई की गई है, यानी कि आप देख पाओगे ब्लू कलर के स्टिचेज है, तो काफी अच्छा सा जो लुक है वो निकल करके आता है। बात बताऊं रियर से बात करते हैं ना, तो रियर से सबसे पहला पार्ट इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है, दैट इज जेटा क्रोम, जिसे आप लोग ऑयलर के नाम से भी जानते हो, ठीक है। इसी के अंदर बेसिकली कैमरे की प्लेसमेंट की गई, यहाँ पे प्रॉपर कैमरा इसके अंदर जो है डेप्थ का वो इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया। एक डिग्गी पत्ती होगी तो मे भी लगेगी इसके अंदर, साथ ही साथ रिफ्लेक्टर का पार्ट इसके अंदर इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। पार्सल ट्रे वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगनी है, अभी सीट कवर भी होना है, बहुत सारा काम है इसके अंदर। मेक श्योर आपको वीडियो का एंड तक जरूर देखना है, एक एक चीज़ एक एक प्राइसिंग के साथ मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ, टोटल कितनी कॉस्टिंग आई है, ऑनर का जो रिव्यू है वो कैसा है, ठीक है, जो आउटपुट मैंने आपको जो चीज़ें मैंने आपको प्रेफर करी है लगाने के लिए उसका रिजल्ट कैसा आएगा, उसमें हम क्या क्या और अपग्रेड कर सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। मेक श्योर वीडियो का एंड तक जरूर देख लेना, और मे भी शायद ये जो वीडियो है ना थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ उसके लिए माइंड मत करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट अपने चैनल की रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। अब पहले गाड़ी को कंप्लीट होने देते हैं, देन आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में। पहले गाइस फाइनली अपनी कार हो चुकी है कंप्लीट, जैसा कि मैंने आपको बताया था दिस इज बेस मॉडल ऑफ ऑल न्यू बलिनो, तो बलिनो का सिग्मा वेरिएंट था, फाइनली सारा काम हो चुका है कंप्लीट। फ्रंट से बताता हूं चलता हूं क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है, ऑनर से मिलेंगे, अंदर से बताऊंगा अंदर से भी क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है, बहुत सारी चीजें ऐसी बताने वाला हूं जो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन रहेगी, और कहीं ना कहीं आपके पास एक पर्टिकुलर ना बहुत सारे ब्रांड्स रहेंगे अवेलेबल जिसके साथ आप अपनी गाड़ी में काम करा सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक ही चीज़ यहाँ से फ्रंट से बताता हूँ, चलो। तो सबसे पहली प्रोफाइल आप देख पाओगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था ग्रिल चेंज हुई है, बट ग्रिल आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको क्रोम वाली लगानी है, बजट के ऊपर डिपेंड करता है भाई कि आपका बजट कितना है, आपको अपनी बजट के अंदर कितना काम कराना है, ठीक है। अब ये नहीं है कि वीडियो में आपने देखा लाख रुपये काम और वही वीडियो में देख करके आप अपना काम कराने आ गए और फिर आपको कॉस्टली पड़ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, क्योंकि भाई गाड़ी एक ऐसी चीज़ है जहाँ तक मैं देख पाया हूँ अभी तक, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ चीज़ को, गाड़ी में आप 1 लाख लगाओगे तो आप लोगों को लगेगा भाई ये कम रहेगा, आप 2 लाख लगाओगे तो आपको लगेगा कि ये कम रहेगा। तो भाई गाड़ी और एक घर एक ऐसी चीज़ है ना, इसको जितना सजा लो उतना ही कम है, ठीक है। तो टोटली डिपेंड करता है भाई, मैं अगेन ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि आप अपना बजट देखो, बजट के हिसाब से अपनी गाड़ी में काम कराओ। चलो जी बात कर लेते फ्रंट प्रोफाइल की मॉडिफिकेशन की, जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्रिल अपने यहाँ पे चेंज हो चुके, साथ ही साथ एक और यूनिक चीज इसके अंदर की गई, जैसे कि आप अंदर की तरफ देख पाओगे ना तो लाइट आपको ब्लू ब्लिंक होगा ब्लू कलर का, तो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रिप लाइट लगी है जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे, तो यहाँ पे स्ट्रिप लाइट इसके अंदर बेसिकली इंस्टॉल कर दी है ब्लू कलर की, जो कि अपने आप में लुक्स को काफी ज्यादा एनहांस कर देती है। अब ये है छोटी सी चीज बट लिटरली बता रहा हूँ लुक्स में काफी ज्यादा एनहांसमेंट,
इसको लगाने से हो गया है। साथ ही ये अपनी अल्फा वाली ग्रिल है जो कि इसके अंदर इंस्टॉल हुई है। मैंने आपको पहले ही बताया था इसके अंदर IPH का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। M617V यानी कि 3-in-1 भी अवेलेबल है। इस टाइप की जो DRL वाले प्रोजेक्टर्स आते हैं ये भी अवेलेबल है, और इसके अंदर मिंडा का भी अवेलेबल होता है। तो टोटली आपके ऊपर है कि आपको अपनी गाड़ी में क्या लगाना है। फॉग लाइट की हाउसिंग यहाँ पे जो है क्रोम वाली इंस्टॉल हो चुकी है, इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में ही डिटेल में बता दिया था, क्योंकि अब दोबारा रिपीट करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद और प्रोफाइल पे बात कर ले, साइड से यहाँ पे अपने व्हील कैप इंस्टॉल हुए हैं। अंदर की तरफ आपको सिल्वर कलर का ही इसका जो स्टील रिम है वो देखने में मिलता है, तो यहाँ पे इसको ही ब्लैकआउट कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे मड फ्लैप की इंस्टॉलेशन कर दी गई है। ऊपर से बताऊं तो यहाँ का पार्ट जो है ORVM अपने यहाँ पे चेंज कर दिया है, यानी साइड मिरर यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। ऑटो फोल्ड का सेटअप रहता है, ठीक है। आप इसे अंदर से एडजस्ट भी कर सकते हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलता है, और ऑटो फोल्डिंग भी इसके अंदर अवेलेबल है। और यहाँ पे इंडिकेटर का सेटअप देने मिल जाएगा आपको। बेस मॉडल है तो इंडिकेटर आपको यहाँ भी मेंशन होता है, और ये बेसिकली ना आपको ग्लॉसी ब्लैक के पार्ट में आता है। तो भैया ने यहाँ पे इसको जो प्रॉपर रैप करा लिया है, इस पर सेम एज इट इज जैसा बॉडी है आपका, सेम बॉडी कलर में इसको रैप कर दिया गया। उसके बाद बताऊं तो रेन वाइजर अपने क्रोम लाइन वाले इसके अंदर इंस्टॉल हो रखे हैं, एल शेप वाला यहाँ पे इंस्टॉल हो रखा है प्रॉपर यहाँ से एंड टू एंड। और ये वाला पार्ट मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ हैंडल क्रोम का, क्योंकि आप लगवा सकते हो, अच्छा लगता है, लुक्स में काफ़ी डिसेंट सा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही बात करूँ साइड बिल्डिंग का सेटअप यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया है। ये भी टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको अपनी गाड़ी में ये चीज़ इंस्टॉल करानी है या नहीं। अब बात करूँ कुछ और पार्ट पे, तो इसके अंदर डबल लेयर की डैम्पिंग का भी पार्ट कंप्लीट किया गया है, मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ का थर्ड साउंड सुनना, ठीक है। अगेन यहाँ पे चेकआउट करना, दोनों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने मिल जाएगा। तो इससे क्या बेनिफिट रहता है ना, आपकी जो गाड़ी है अंदर से कैबिन जो है कहीं ना कहीं साउंड प्रूफ हो जाता है, साउंड की जो क्वालिटी है वो इन्हेंस हो जाती है, रोड नॉइज जितनी है वो खत्म हो जाएगी, रैटलिंग नॉइज जितनी होती है वो खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ जो AC है वो भी काफ़ी आपका एफिशिएंट हो जाता है, यानी कि कूलिंग आपको काफ़ी अच्छी AC करके देने वाली है, ठीक है। उसके बाद और प्रोफाइलें बात कर ले, तो भाई रियर प्रोफाइल से कुछ ऐसी प्रोफाइल आपको देखने मिलती है, रियर से कुछ आपको ऐसी लुक देखने मिलती है। डिफॉगर वगैरह का सारा पार्ट तो इसके अंदर बेस मॉडल से आता है। उसके बाद यहाँ पे स्पॉइलर का पार्ट चेंज हो चुका है, यानी कि स्पॉइलर इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। स्पॉइलर में ही कैमरे का पार्ट यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, और रिफ्लेक्टर का पार्ट यहाँ पे इंस्टॉल हो रखा है। रिफ्लेक्टर के लिए ना मैंने एक अपनी चैनल पे शॉर्ट वीडियो रिसेंट में अपलोड करी है, अगर आपने नहीं देखी तो जा करके देख लेना, बहुत एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ है आप लोगों के लिए। तो रिफ्लेक्टर पर्सनली मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कराओ। अब चलते गाड़ी के अंदर, अंदर से जानते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन है। उससे पहले भाई देखो एक चीज़ और ले आए, तो ये बेसिकली बूट मैट है, और 70 मैट सामने की तरफ भाई हमारा इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। अब पहले चलते अंदर की तरफ, अंदर से जानते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है, देन मिलेंगे ऑनर से और उनसे जानेंगे उनका सारा जो रिजल्ट है वो कैसा है, उनको सारा काम कैसा लगा, सारा आउटपुट कैसा लगा, और जो टोटल कॉस्टिंग है वो कितनी आई। गाइस फाइनली अपनी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था दिस इज बेस मॉडल ऑफ ऑल न्यू बलिनो, ठीक है। बलिनो का बिल्कुल ही बेस मॉडल था, दैट इज सिग्मा वेरिएंट के नाम से, कहीं ना कहीं आप इसे जानते हो। अब सिग्मा वेरिएंट के अंदर इतनी सारी मॉडिफिकेशन हुई है ना इसके अंदर, जो आप देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, और ऐसी ऐसी चीजें हुई है जो कि इसके अंदर एक नीडी चीज होती है या एक गाड़ी के अंदर होनी चाहिए। तो जितना भी सेटअप है मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ, एक एक पॉइंट पे बात करूंगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि मैं आपको आज ऐसी ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है, या फिर आप अपनी गाड़ी में जब ये चीज लगवाओ तो आपको कल को ये ना लगे कि यार मैंने कुछ ऐसा पार्ट लगा लिया जो कि कहीं ना कहीं मेरे को दिक्कत दे रहा है, या फिर मुझे इसकी नीड नहीं थी। तो आज जो इस गाड़ी के अंदर मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ वो चीज आप देखोगे, एक एक चीज देखोगे, और आप खुद कमेंट करके बताना कि भाई मिश्रा भाई ने सही बात बताई है, नहीं बताई है, फिर गलत बताई है। जो भी मैं बोलूंगा आप प्लीज कमेंट करके बताना कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज कितनी सही है, और ये चीजें लगानी कितनी हद तक वर्थ है या नहीं, ठीक है। अब चलते मॉडिफिकेशन की बात करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा हमका। मैंने आपको एक्सटीरियर से बहुत सारी चीजें दिखाई थी, अब चलते इंटीरियर से बात करते हैं कि अंदर से क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है, क्योंकि मेन अपना काम अंदर से भी था, बहुत सारा मॉडिफिकेशन का काम है जो कि इस कार के अंदर से भी हुआ है। अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, अगर आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, बहुत सारी रेगुलर अपडेट्स है जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। अब बात करते हैं अपनी इंटीरियर में कि इंटीरियर से क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है, क्योंकि मैंने आपको एक्सटीरियर का बहुत सारा सेटअप ऑलरेडी शो आउट कर दिया है। अब बात कर लेते हैं अंदर से। अंदर से सबसे पहला पार्ट जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे, अपना स्टीयरिंग जो है चेंज हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था जब अपना काम चल रहा था गाड़ी के अंदर, मैंने उस समय भी आपको दिखाया था कि स्टीयरिंग जो पूरा पार्ट है अपना चेंज हो चुका है। अब चेंज होने के बाद इसकी क्या प्रोफाइल रहती है आप यहाँ पे देख पाओगे। अब ये बेसिकली ना अपना OEM फिटमेंट जिसे कहते हैं वो प्रॉपर है इसके अंदर, जो कि कंपनी से ही होकर के आता है। साथ ही यहाँ पे सिल्वर के एसेंस आपको देखने मिल जाते हैं। स्टीयरिंग मॉडल कंट्रोल के कॉलिंग के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे।
जितने भी कॉलिंग के कंट्रोल आपको यहाँ पे देने मिलते हैं, साथ ही साथ स्टीरियो का पार्ट जो होता है वॉल्यूम प्लस माइनस आप प्रॉपर देख पाओगे यहाँ से होता है, और क्रूज कंट्रोल का सेटअप आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो इसका सेटअप अपने आप में बहुत अमेजिंग है। अगर आप सिर्फ स्टीयरिंग मॉडरिंग कंट्रोल लगवाने आते हो तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आप लोगों से रहेगी कि आप स्टीयरिंग अगर व्हील चेंज करवाना चाहो टॉप एंड मॉडल वाला जो आपको फील चाहिए तो आप ये लगवा सकते हो। बाकी बजट का इशू है, बजट आपको एक बजट में रह के काम कराना है तो आप सिंपल वे में स्टीयरिंग मॉडरिंग कंट्रोल चेंज करा लो, उसके बाद एक पैसे स्टीयरिंग पे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा मैं वहां पे आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मतलब डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको फील चाहिए टॉप वेरिएंट वाला तो आप स्टीयरिंग चेंज करा लो, दिस इज द वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन। अगर नहीं चाहिए, नहीं कराना या सिंपल एक कंट्रोल चाहिए तो आप स्टीयरिंग मॉडर्न कंट्रोल लगवा लो, उसके अलावा यहाँ पे और कोई नीड नहीं होती। ठीक है, स्टीयरिंग रैप आप नॉर्मली कराते हो वो आपका एक पर्सनल ओपिनियन है। उसके बाद में बात करूँ क्या क्या मॉडिफिकेशन और की गई है। सेंटर में आप देख पाओगे 9 इंच का जो प्रॉपर अपना ग्लॉसी वाला फ्रेम इसके अंदर लगा है, साथ ही साथ डेप्स का जो एंड्रॉयड है वो इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है। अब एंड्रॉयड में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आपके पास डेप्स का भी अवेलेबल है, निपॉन अवेलेबल है, मेगासोनिक है, हाइपरसोनिक है, देयर लॉट्स ऑफ ब्रांड इन द मार्केट, यू कैन इजिली इंस्टॉल इन योर कार। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में जो कि आप अपनी गाड़ी में इजिली लगवा सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे जो इंस्टॉल हुआ है दैट इज डेप्स, साथ ही यहाँ पे जो एम्बिएंट लाइट का प्रॉपर पार्ट एक जो आता है वो इंस्टॉल किया गया। अब देखो एम्बिएंट लाइट जो है कहीं ना कहीं आपके पर्सनल पार्ट पे डिपेंड करती है कि आपको अपनी गाड़ी में कैसा फील चाहिए रात के समय में, जब आप गाड़ी में ड्राइव कर रहे हो तो आपको कैसा फील चाहिए। अगर आपको चाहिए कि लाइटिंग चाहिए तो आप एम्बिएंट लाइट लगा सकते हो। उसके बाद बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे ना तो ये बेसिकली अपना हैंडल लिवर जो है इसके अंदर इंस्टॉल नहीं किया गया है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पार्ट भी आता है अपना स्टाइलिंग किट वाला, भैया ने नहीं लगवाया, अगेन द सेम पार्ट आई विल रिपीट फॉर यू। बेसिकली इसमें भी वही चीज रहेगी कि आप इंजन पे या परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, सिंपल सा ये है कि हाँ लुक्स इनहेंस हो जाती है। तो ये जितनी भी चीजें हैं जितने पार्ट है दिस इज ओनली अ कॉस्मेटिक चेंज, और इससे आपका कोई अगर बजट है तो आप बिल्कुल करा लो, नहीं है तो ओके भाई बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत हो ही ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रॉपर जो अपना ऑटो फोल्डिंग का सेटअप इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है, तो यहाँ पे आप अभी देख पाओगे जैसे मैंने इसको प्रेस किया ये आपका बंद हो जाएगा, यानी कि फोल्ड हो गया। अगेन आई प्रेस दी अनलॉक बटन तो आपका ये अनफोल्ड हो जाएगा, तो इसका सेटअप कुछ इस टाइप से निकल करके आ गया है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्रॉपर अपना सॉफ्ट टच में जो है कहीं ना कहीं इसको लेदराइट किया गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे कुशनिंग वाला पूरा पार्ट होता है, साथ ही साथ यहाँ पे लेदराइट का जो पार्ट है स्टिचेस का पार्ट है वो यहाँ पे रखा गया है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे भी कुशनिंग वाला पार्ट है जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे, मेरी जो फिंगर है वो अंदर की तरफ प्रेस हो रही है, और ब्लैक कलर का टोन है इंटीरियर में तो बहुत सुंदर सा लग रहा है। आपको कराना है तो ये मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लगवा लो, ज्यादा कॉस्टली नहीं आता। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया, एसी वेंट या फिर ये जो चीजें है दिस इज अगेन अ कॉस्मेटिक चेंज, ये सब चीजें आपकी जो है पर्सनल पॉकेट पे डिपेंड करते हैं कि आपको कितना खर्च करना आपकी गाड़ी के ऊपर। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे बेसिकली फ्लोरिंग का पार्ट जो अपना कंप्लीट हो चुका है, इसके ऊपर 70 मैट डलने, और ये जो आप थोड़ा सा मट्टी देख पाओगे ना बेसिकली बारिश का मौसम चल रहा है रोलबाग में तो साफ होकर के फिर लगेगा। उसके बाद बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के ऊपर जो कि आता है अपना सीट कवर, तो सीट कवर यहाँ पे अपने फुल बकेट के साथ सेंटर में परफोरेटेड वाला लेदर आपको मिल जाता है, साथ ही साथ जो ऊपर की तरफ है अपना जो प्रॉपर मेड इन थाईलैंड वाला लेदर है वो, साथ ही साथ यहाँ पे स्टिचिंग का पार्ट देख पाओगे ब्लू कलर का, क्योंकि आपको बलिनो के अंदर ब्लू कलर का इंटीरियर देखने मिलता है। उसके साथ यहाँ पे उसके सीट कवर है उसको रेडी किया गया जो कि अपने आप में काफी सुंदर से लग रहे हैं। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि ये पार्ट आपको कितना सही लगा है। ठीक है, इसके अंदर जो कंपोनेंट लगा था एविटर के फ्रंट में, रियर में एविटर के कोएक्सियल स्पीकर है, मैं आपको साउंड का आउटपुट एक बार चेकआउट करा देता हूँ, देन मिलेंगे ऑनर से और उनसे जानेंगे सारा काम उनको कैसा लगा। जितनी मॉडिफिकेशन थी मैंने आपको एक एक चीज यहाँ पे डिटेल में क्लियर कर दी है, आपको ऑप्शन भी बता दिए मैंने कि आप अपनी गाड़ी में और क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा करा सकते हो या क्या क्या चीजें नहीं करा सकते हो। जितनी भी चीजें थी मैंने आपके कोशिश करी है कि आपके जितने भी डाउट्स है वो यहाँ पे क्लियर हो पाए। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट करके बताना, आपके कमेंट का मैं एक एक कमेंट में पढ़ता हूँ, एक एक कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मेरा पर्सनल ये होता है कि हमेशा एक एक कमेंट का रिप्लाई करूँ तो उस चीज का प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो एक पार्ट और इंस्टॉल हुआ है ये अपना गियर नॉब का सेटअप MGP का ओरिजिनल इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया। अब आप एक बार सुनो NC का सॉन्ग, देन मिलते हैं ऑनर से। Thank you.
भाई, तो जितनी सुंदर अपनी गाड़ी थी ना, तो उतनी ही सुंदर तरीके से इसके अंदर मॉडिफिकेशन है, सारा काम कंप्लीट किया गया। बलिनो का सिग्मा वेरिएंट था और गाड़ी जो है पंजाब से आई थी, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है भाई। तो हमारे साथ केशव भी है और अपने प्राउड ओनर भी है। सबसे पहले सर से सर का नाम जान लेते हैं। सर एक बार नाम बता दीजिए। जसवीर सिंह सर। अपना नाम? बलविंदर सिंह। बलविंदर सर, तो बेसिकली सर आप पंजाब में किस जगह से आए? संगरूर से, संगरूर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, कितना किलोमीटर डिस्टेंस पड़ जाता है दिल्ली आने में? तकरीबन 250 किलोमीटर का। वन वे का है ये आना आना? नहीं, एक तरफ का। हाँ, एक तरफ का ना, यानी कि टोटल 500 किलोमीटर का आना जाना। भाई कितनी कितने का लग गया होगा समथिंग? तो 2500 रुपए का पेट्रोल लग गया। और आपने पैसे लगाए तो लगता है वर्थ है। 2500 रुपए लगाया आपने पेट्रोल, लगता है जैसा काम हुआ। हाँ, वो मेरा वो बढ़िया काम बढ़िया हुआ। 2500 मेरे को दुखेंगे नहीं। और जैसे आपने मतलब फोन पे बात किया उसके बाद काम करवाया, तो आपको लगा था कि जैसे फोन पे बात करें या फिर लोगों का वीडियो हम देख रहे हैं वैसे हो रहा है काम, हमारा भी काम वैसा हो जाएगा, ऐसा लगा था? हाँ, लगा। बाकी तो काम फाइनली हो चुका है, अब जा रहे हो तो लग रहा है कि मेरा काम, मैं भी सेटिस्फाई हूँ। मतलब मेरे को अच्छा लगा, बहुत बढ़िया काम हुआ और देखने में बढ़िया गाड़ी की लुक भी हो गई। और आपने क्या है मेरा पूरा हेल्प किया, हर चीज सामान के अंदर जो आपने मेरे को अच्छा सुझाव दिया और मैंने भी उसको एक्सेप्ट किया। तो बेसिकली इसके अंदर बहुत सारा काम था, जैसे कि आपने देखा बेसिकली इंटीरियर में बहुत सारा मॉडिफिकेशन था। सर ने साउंड सिस्टम में भी काफी अच्छा काम करा है। वो सारा रिजल्ट आपको कैसा लगा अभी तक? बहुत बढ़िया लगा। सेटिस्फाइड हो सबसे? मतलब हाँ, बढ़िया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो इसके अंदर सीट कर आपने लगवाया, कितनी वारंटी मिली आपको? मेरे को लाइफटाइम। लाइफटाइम की मिली है। ये हुआ है कि कभी भी मैं तो ये ऐसा तो नहीं है कि ना मेरे कहने पे बोल रहे हैं आप ऐसा कुछ? लाइफटाइम का चॉइस किया है। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन और भी थे लेकिन मेरे को क्या लाइफटाइम का अच्छा लगा। जो साइड विंडो में भी रैप करवाया उसका भी मेरे को लाइफटाइम का वो किया मैंने। ठीक है, अभी एक बार पैसा लगा लिया तो बार बार थोड़ी वो होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये चीजें एक बार इन्वेस्ट होती है। और आपकी गाड़ी में ना मैक्सिमम जो सामान है वो एमजीपी का ओरिजिनल लगा है, मारुति सुजुकी का, तो 90% जो लगा है। लोग कहते हैं कि डिस्काउंट सिर्फ बोलते हैं देते नहीं, आपको लगा आपको मिला है डिस्काउंट? हाँ, डिस्काउंट मिला। मैंने एजेंसी में भी पूछा था जिस चीज का रेट का वो फर्क है। ठीक है, मैं हर चीज में देख के आया था उधर से, तो मैंने उधर से कोई एक्सेसरी नहीं ली। ठीक है, 1% भी एक्सेसरी नहीं ली और सब आगे इधर ही लगवाया मैंने। प्रॉपर 25% डिस्काउंट जो कहते हैं वीडियो में मिला आपको? हाँ, मिला मेरे। चलो ये बहुत अच्छी चीज है। केशु कुछ अपनी ऑडियंस के लिए? यही चीज कहते हैं लोग, अपना प्यार बनाए रखो भाई। हाँ, बहुत अच्छा लगता है इतने दूर से कस्टमर आए। मैं ये पंजाब से गाड़ी आई है, सामने आप देखोगे तो एमपी की गाड़ी आई है। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगता है कोई कस्टमर इतनी दूर से इतना ट्रस्ट करके आता है, उससे अच्छी चीज तो कुछ नहीं है। और हमारी भी कोशिश है कि उसी चीज पे खड़े उतरे। सही बात है, चीज को कस्टमर जो ट्रस्ट करके आए वो बनाए रखे। हमारी एक ही चीज है भाई, एक कस्टमर से नहीं कमाना। अब सर ने मुझे बोला कि भाई मैं मतलब मेरे पीछे पीछे ना मैं आपको इतनी गाड़ी भेजूंगा आप याद रखोगे। सर की सही बात, बस ये कोशिश होती कि आपका काम अच्छा करके देंगे तो नॉर्मल बात है आपकी रिलेटिव आपके जो कांटेक्ट की जितने आपके कांटेक्ट की गाड़ी है आप सारी यहाँ भेजने वाले हो। सही बात है, को समझ के आपका काम करके देते हैं और अपने आपको तसल्ली नहीं होती जब तक आपको भेजते नहीं है। सर ये बात तो सही है, आपके मोनोपोल ने खुद एक ही काम चेक किया पूरा। छोटी छोटी सर की दिक्कत भी थी, दिक्कत भाई सब में आती है, कोई भगवान नहीं है, ऐसा नहीं होता किसी से गलती ना हो। दिक्कत होती है देखते हैं उसको उसी समय सही किया जाता है। ठीक है सर, अपना प्यार बनाए रखो भाई। एक लास्ट और चीज पूछूंगा मैं, प्राइसिंग कितनी आपने इनको पे करी अभी तक टोटल? मैंने इसको 96,000 आपने पे करी पूरे मॉडिफिकेशन ही जितने भी इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुई है। बिल कितने बना था केशु? बिल सर का बना था 98,700 का। ठीक है, और दूसरी चीज बता दूं, एक हमारे सर सामने जस्ट जेटा लेके भी थे। ठीक है, उन्होंने गाड़ी जो है 9,60,000 की ली थी। हाँ, और सर ने गाड़ी सर को अराउंड अभी एसेसरी की पूरी कंप्लीट करा के 7,65,000 के अराउंड पड़ रही है। ठीक है, वो गाड़ी और इस गाड़ी में शायद इतना फर्क था ना मैं बता नहीं सकता। ये तो सर बात बिल्कुल सच है, उसमें 7 इंच का सिस्टम था, इसमें 9 इंच का सिस्टम है। उसमें नॉर्मली 4 स्पीकर आते हैं, पेपर बनवा रहे हैं, कंपोनेंट इंस्टॉल हुए हैं, उसमें डैम्पिंग नहीं आती। इसमें डैम्पिंग जो लोग कहते हैं ना कि भाई इतना पैसा लगाना है तो टॉप मॉडल क्यों नहीं ले रहे, भैया टॉप मॉडल में भी आपको ये सब चीजें नहीं मिलने वाली है। सही बात है, बड़ी चीज है। इवन अल्फा भी तो आती है अपने पास मॉडिफिकेशन के लिए, अल्फा भी आती है मॉडिफिकेशन के लिए। टॉप मॉडल में भी आपको सिर्फ जो कंपनी से स्टॉक म्यूजिक सिस्टम आ रहा है वही मिलने वाला है। अगर आपको अपडेट करवाना है तो आप बेस मॉडल में ही करवा सकते हो, या टॉप मॉडल में भी पैसा उधर देना पड़ेगा और इधर दोबारा आपको पैसा देना पड़ेगा। सही बात है, इससे बेस्ट है कि आप सिग्मा मॉडल लो, ज्यादा बेटर है, बेस मॉडल लो। चलो, पहले डेल्टा ही बुक करवा रहा था लेकिन क्या हुआ, मैं इनसे बात हुई उसके बाद मैंने पूरा चेक किया कि मेरे को कितना पड़ रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से मैंने फिर क्या वगैरह सिग्मा वगैरह बुक करवाई। ठीक है, इसी चक्कर में अभी लगा कि सिग्मा लेकर के एक राइट डिसीजन था। वो बहुत बढ़िया लगा मेरे को क्योंकि मेरे को अल्फा मिल रही है ये। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक 360 डिग्री कैमरा है जो वो नहीं है इसमें, लेकिन क्या मेरा सीट कवर उसमें नहीं आते,
है, नीचे इसमें वाटर प्रूफिंग वो लग गई मेरे उसी अमाउंट में और डैम्पिंग लग गई, सही बात है, अच्छा लगा। और अगर किसी को 360 डिग्री कैमरा चाहिए तो वो भी अपने इंस्टॉल करके देंगे भाई, कांटेक्ट कर सकते हो उसके लिए भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको भी करके देंगे। अगर हेड अप डिस्प्ले चाहिए जो सिर्फ अल्फा मॉडल में आता है, अगर वो चाहिए तो वो भी इंस्टॉल करके देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, तो जितनी मॉडिफिकेशन थी आपने सारी इसके अंदर देखी। सर लास्ट वर्ड पूछूंगा, फाइनली सेटिस्फाइड हो? चलो ठीक है, ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी आप लोग फाइनली कमेंट सेक्शन में बताना कि ये गाड़ी आपको कितनी सही लगी और इसमें जो मॉडिफिकेशन है पार्ट था ये आपको कितना सही लगा है। अगर आज वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि भाई 10,000 फॉलोवर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले, तो फटाफट से जाकर के सब्सक्राइब करो। और भाई अभी से ही कांग्रेचुलेशन कर रहा है, क्योंकि उसको पता है भाई अपने जितने भी भाई देख रहे हैं सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आपको अपनी गाड़ी में काम कराना है तो आप इजीली विजिट कर सकते हो ऑटो यूनिक, अपना सारा काम करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिश्रा ब्लॉग 7 आईजी। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्थिर रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।